आनंद अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेलिब्रेशन की चारों ओर खूब चर्चाएं हुई। आइए जानते हैं कि मुकेश अंबानी के बड़े बेटे आकाश अंबानी और बेटी ईशा अंबानी की शादी में कितने पैसे खर्चे किए गए। मुकेश अंबानी की इकलौती बेटी ईशा अंबानी की शादी अरबपति उद्योगपति अजय मीरामल के बेटे आनंद मीरामल से हुई थी। ईशा अंबानी के कपड़े से लेकर कार्ड तक पर अंबानी फैमिली ने जमकर पैसा खर्च किए। रिपोर्टर के मुताबिक ईशा की शादी भारत की सबसे महंगी शादी मानी जाती है। इनकी शादी में कुल 700 करोड़ रुपए खर्चे किए गए थे। ईशा अंबानी की शादी का लांगा 90 करोड़ का था और शादी की कार्ड की कीमत 3 लाख रुपए थी। रिपोर्टर के अनुसार मुकेश अंबानी ने अपने बड़े बेटे आकाश अंबानी की शादी के लिए स्विट्जरलैंड में एक हफ्ते के लिए आलिशान होटल बुक किया था, जिसकी एक दिन की कीमत 1 लाख रुपए थी। यह होटल का सबसे सस्ता रूम था जो 500 मेहमानों के लिए बुक किया गया था। शाही के एक कार्ड पर 105 लाख खर्चे किए गए थे। आईबीडी पोर्टर के मुताबिक आकाश अंबानी और सुलेखा मेहता के प्री वेडिंग सेलिब्रेशन में 3 इंटरनेशनल बैंड कोल्ड प्ले चाइना स्मोकर्स और पॉप रैक बैंड मैरून 5 ने परफॉर्मेंस किया था। अपनी परफॉर्मेंस के लिए मैरून 5 बैंड ने 12 करोड़ की मांग की थी। रिपोर्टर के अनुसार नीता अंबानी ने सुलेखा अंबानी को शादी के तोहफे के तौर पर 451 करोड़ का मवाड़ा इनकम्पेरेबल हार दिया था। इनमें 51 डायमंड जड़े हैं। मुकेश अंबानी के छोटे आनंद अंबानी की प्री वेडिंग में कई नेशनल और इंटरनेशनल सेलिब्रिटी को बुलाया गया था। यह सभी सवालों को जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए शुरू करते हैं। मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के सबसे छोटे बेटे आनंद अंबानी की प्री वेडिंग सेलिब्रेशन 1 मार्च से 3 मार्च तक जश्न चला और दुनिया के कोने कोने से मेहमान बुलाए गए थे। लेकिन इन 3 दिनों के जश्न में दुनिया ने आनंद और राधिका की प्री वेडिंग सेलिब्रेशन को एंजॉय किया। जैसे कोई भी इंस्टाग्राम ओपन करता तुरंत उसके स्क्रीन पर ऊपरी दिखाई देता। कमेंट में बताना आपकी दिखाई देता था क्या, और सबके ख्याल में आता होगा कि आनंद अंबानी की कौन सी बीमारी है जो इतना मोटा हो जाता है। आनंद अंबानी की प्री वेडिंग की बजट कितना था, और इतना बजट था कि 1000 से 500 आम नागरिक की शादी हो जाती। और आनंद अंबानी की जिस लड़की से शादी हुई वह लड़की कौन है, और इस प्री वेडिंग में करोड़पति अरबपति खरबपति तक शामिल थे, जैसे बिल गेट्स, गौतम अडानी और कई अन्य लोग भी शामिल थे। और सलमान, शाहरुख, दीपिका पाडुकोण, आलिया भट्ट, रणबीर कपूर परफॉर्मेंस करने के लिए कितना पेमेंट लिए, पॉप सुपरस्टार रिहाना परफॉर्मेंस के लिए कितना पेमेंट लिए, और इनमें फेमस क्रिकेटर भी शामिल थे जैसे सचिन तेंदुलकर, एमएस धोनी और कई अन्य लोग भी शामिल थे। मुकेश अंबानी, नीता अंबानी और परिवार गुजरात के जामनगर में आनंद अंबानी और राधिका मर्चेंट के विवाह प्रेस सेरेमनी के लिए बाहर गए थे। मुकेश अंबानी के छोटे बेटे की शादी से पहले प्री सेलिब्रेशन शुरू हुआ, जो दुनिया के कोने कोने से मेहमान बुलाए गए थे। चाहे वो कारोबारी जगत में फेसबुक मेटा के मालिक मार्क जुकरबर्ग हो या माइक्रोसॉफ्ट के स्थापक बिल गेट्स, 3 दिन सेलिब्रेशन में रिहाना, बिल गेट्स, कैटरीना कैफ, दीपिका पाडुकोण, शाहरुख खान, सलमान खान जैसे कई अन्य सेलिब्रिटी अतिथि शामिल थे। पता चला कि जामनगर में सिर्फ 3 दिनों में करीब 350 विमानों का मूवमेंट हुआ। देश के उद्योगपति में अडानी से लेकर मीरामल तक और बिरला से लेकर टाटा तक हर बड़े उद्योगपति घराने के मेहमान आनंद और राधिका को आशीर्वाद देने पहुंचे। फिर भी अंबानी परिवार द्वारा आयोजित विभिन्न समारोह के लिए विभिन्न स्थानों की भव्यता और सुंदरता 1 से 3 मार्च के बीच अपने आप में एक मुख्य पात्र के रूप में उभरे, जो ग्रैंड सेलिब्रेशन के लिए एकदम सही सेटिंग पेश करता है। और इस शादी का बजट कितना था, हालांकि रिपोर्टर के अनुसार नीता और मुकेश अंबानी द्वारा आयोजित प्री वेडिंग सेलिब्रेशन में केवल खान पान कॉन्ट्रैक्ट के साथ, जबकि आनंद अंबानी की शादी का खर्चा लगभग 5000 करोड़ भारी लागत आई, जो भारत के अग्रणी 5 सितारा होटल समूह में से एक को दिया गया था। वैसे मुकेश अंबानी के लिए यह रकम बहुत बड़ी नहीं है। ब्लूमबर्ग के रिपोर्टर के मुताबिक अंबानी के नेटवर्थ करीब $113 बिलियन है। और लोगों के अंदर एक सवाल भी आता होगा कि आनंद अंबानी की कौन सी बीमारी है जो इतना मोटा हो जाता है। आनंद का हेल्थ एंड वेट बढ़ने का संघर्ष TOI के साथ 2017 के इंटरव्यू में नीता अंबानी ने बताया था कि आनंद गंभीर दमा के रोगी थे, इसलिए हमें इन्हें बहुत सारे स्टेरॉयड पर रखना पड़ा। इसी वजह से आनंद
का वजन इतना बढ़ जाता है। कौन है राधिका मर्चेंट? राधिका मर्चेंट कारोबारी वीरेंद्र मर्चेंट की छोटी बेटी है। वीरेंद्र मर्चेंट एनकोर हेल्थ केयर नाम की कंपनी के मालिक और संस्थापक सदस्य हैं। उनके अलावा वे APL अपोलो ट्यूब्स में बोर्ड मेंबर हैं। वही इनके माता का नाम सहला मर्चेंट है और वे एनकोर हेल्थ केयर की डायरेक्टर हैं। राधिका की बड़ी बहन भी है जिनका नाम अंजलि मर्चेंट है। इनकी शादी आकाश मेहता से हुई है जो वे एक बिजनेसमैन और EY के पर्टन है। आनंद अंबानी की वेडिंग में रिहाना ने कितना चार्ज किया? हाल ही में हॉलीवुड के सिंगर रिहाना ने भी अपनी ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस दी और इनके लिए रिहाना ने अंबानी से 74 करोड़ रुपए की रकम वसूली और सलमान शाहरुख परफॉर्मेंस करने के लिए कितना चार्ज लिए? मीडिया रिपोर्टर के माने तो शाहरुख सलमान किसी भी फंक्शन में परफॉर्मेंस करने के लिए 3 करोड़ रुपए लेते हैं। फैशन डिजाइन मनीष मल्होत्रा ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अमेरिकी पुष्प डिजाइन जेफ लिथम के साथ एक तस्वीर साझा की जो सेलिब्रेशन में सभी जटिल फूलों की स्वच्छता के लिए जिम्मेदार थे। शाम को मेहमान मेला रूस के लिए खाना हुआ। मौलिन रोज पेरित कार्निवल अंबानी समारोह का सबसे हार्ड आयोजन था जिसमें पीले बल्ब और झूमर और लाल रंग का सहसित उपयोग शामिल था। गाइस वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताना। मिलते हैं ऐसे लेटेस्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।